नमस्कार जी। ऑस्ट्रेलिया के मेजर चेंजेस के लिए तैयार रहें। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में जीएसटी जो है वो जिसका फुल फॉर्म है जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट, ये एप्लीकेबल होने वाला है मार्च के महीने से। तो जो कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन्होंने भी अपने आप को टाइट कर दिया है एडमिशन और जीटी प्रोसेस को लेके। यूनिवर्सिटी ज़्यादातर स्टूडेंट्स की इंटरव्यूज़ दे रही हैं, क्योंकि वो ये चाहती हैं कि अगर बाय चांस एम्बेसी कल को इंटरव्यू देती है तो बच्चा तैयार हो। तो उसमें ज़्यादातर यूनिवर्सिटी स्काइप इंटरव्यूज़ दे रही हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं टेलीफोनिक इंटरव्यू भी दे रही हैं। और जो जीएसटी के क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, वो ये रहेंगे कि जब आप फाइल एम्बेसी में लगाओगे तो हो सकता है आपको वीज़ा ऑफिसर फ़ोन करे या आपको स्काइप इंटरव्यू के लिए आपको एक इनविटेशन भेजे। तो इसमें क्या होगा आपको कि आपको हर एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा कोर्स है, क्या फंड्स आपने शो करे हैं, क्यों पढ़ना चाहते हैं आप ऑस्ट्रेलिया में, और क्या बेनिफिट्स हैं ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के, वापस क्यों आएंगे, और अगर लाइक वर्क एक्सपीरियंस देने के लिए या पीआर देने के लिए आप रहना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में तो आप ये भी बोल सकते हैं। क्योंकि कुछ इमिग्रेशन चेंजेस इस रिलेटेड भी हुई हैं कि ज़रूरी नहीं है कि स्टूडेंट पढ़ने के बाद वापस अपने कंट्री जाए, वो वहाँ स्टे भी कर सकता है और पीआर भी दे सकता है। तो स्टूडेंट वीज़ा में अगर स्टूडेंट ये भी कहता है कि हाँ मैं वहाँ पे स्टे बैक करना चाहूँगा और पीआर देना चाहूँगा, तो दैट इज़ आल्सो एक्सेप्टेबल बाय अंडर न्यू रूल्स, जो नई गाइडलाइन जो है इमिग्रेशन की है। सो ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। बट जो इंटरव्यू है वो मैंडेटरी अभी फिलहाल कहने की बात सही नहीं रहेगी कि मैंडेटरी होगा या नहीं होगा। ये डिपेंड करेगा वीज़ा ऑफिसर पे। अगर उसको लगता है कि कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या कॉलेज है वो बहुत अच्छी जीटी वगैरह कर रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं बच्चे की, और बिल्कुल उन्होंने सारी लाइक डॉक्यूमेंटेशन और सारा बच्चे की इंटरव्यूज प्रॉपरली दी होंगी, तो हो सकता है वीज़ा ऑफिसर उसमें इंटरव्यू ना दे। और कई कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ का ऐसा रहता है कि वो इंटरव्यूज़ नहीं देते स्टूडेंट्स की, या स्काइप नहीं देते, या प्रॉपर जीटी इतनी डीपली चेक नहीं करते। तो ऐसे केस में ये भी हो सकता है कि जो वीज़ा ऑफिसर ऐसे कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ की लाइक रैंडम बेसिस की बजाय यानी कि प्रॉपर इंटरव्यूज़ ही कंडक्ट किए जाएँ ऐसे स्टूडेंट्स की। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना ज़रूरी रहेगा आने वाले टाइम पे, कि आपको अपने कॉलेज के बारे में, आपको कोर्स के बारे में, आपको अगर यूनिवर्सिटी है उसकी लोकेशन के बारे में, आपको कोर्स कंटेंट्स के बारे में, आपको अपने फंड्स के बारे में, इनकम के बारे में, स्पॉन्सर्स के बारे में, और कोर्स में क्या पढ़ाया जाएगा उसके बारे में, कोर्स में पढ़ने के बाद आपको क्या जॉब्स मिल सकती हैं, किन कंपनीज में क्या सैलरी आपको मिल सकती है, तो ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको अप टू डेट होनी चाहिए। तो अगर आपको वीज़ा ऑफिसर फ़ोन करके बात करता है तो आपके पास हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और अगर आपको वीडियो लिंक के थ्रू इंटरव्यू दी जाएगी तो भी आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन उनको देनी पड़ेगी, ताकि ये चीज़ की प्रिपरेशन आपकी होनी ज़रूरी है। तो ये चीज़ का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है स्टूडेंट वीज़ास के ऊपर, क्योंकि देखिए हर कोई बच्चा कंफर्टेबल नहीं होता है, और हर कोई बच्चा इतना लाइक वैसे इंटरव्यू देने में लिए सूटेबल होता है, बट जब वीज़ा ऑफिसर या कहीं बाहर से इंटरव्यू आ जाती है तो बच्चा कहीं ना कहीं घबरा जाता है। तो ऐसे चीज़ में बच्चे को ध्यान रखना ज़रूरी है कि बेसिक्स पे ज़रूर ध्यान रहे, कि कोर्स के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में, आउटकम्स यानी कि क्या जॉब्स आपको मिल सकती हैं, क्या सैलरी मिल सकती है, ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है। तो अभी तक कोई इंटरव्यूज़ नहीं आई हैं, बट आने वाले टाइम पे प्रॉपर गाइडलाइंस आने वाली हैं चीज़ को लेकर, जो कि इस मार्च के महीने में एप्लीकेबल होने की पूरी संभावना है। और गवर्नमेंट ने भी, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने भी ये क्लियर कर दिया था कि मार्च के महीने के आसपास हम जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे। बाकी काफ़ी चीज़ें एप्लीकेबल कर चुके हैं, जैसे कि जो एक्सटेंडेड पोस्ट स्टडी वर्क था उसकी ड्यूरेशन कम करके 2 साल कर दी गई है, तो वो भी एक गाइडलाइंस थी जो पिछले साल गवर्नमेंट ने निकाली थी, तो एप्लीकेबल होनी शुरू हो गई है। तो अभी जीएसटी की जो जो गाइडलाइंस पिछले साल निकाली थी वो भी एप्लीकेबल होने का टाइम आ गया है। तो इसी तरीके से ही आपने जीएसटी के को दिमाग में रखते हुए ही अपनी एडमिशन और ऑफर लेटर जीटी अप्लाई करनी है, ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना आए वीज़ा लेने में। तो आपकी जो प्रिपरेशन है, अगर जो टेस्ट जिसको जीएसटी कहते हैं, जो जनरल स्टूडेंट टेस्ट है या इंटरव्यू की बात करें, तो ये सारी चीज़ों की आपकी प्रिपरेशन प्रॉपर होनी चाहिए, नहीं तो वीज़ा देना जो है ऑस्ट्रेलिया का आपके लिए
रहेगा। और आपको पता ही है कि एक बार वीज़ा रिजेक्ट हो जाए दोबारा देना अप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा। तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि आप जो भी काम करें, जो भी अप्लाई करें, जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, एक बार ही करें, अच्छे से करें, ताकि आपका वीज़ा सक्सेसफुली मिल जाए आपको। थैंक यू जी।